सदर तहसील के अधिवक्ता चैम्बर्स के भूमि पूजन कार्यक्रम के इस समारोह में उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन शुक्ला जी, हमारे विधायकगण गोरखपुर नगर से डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल जी, गोरखपुर ग्रामीण से श्री विपिन सिंह जी, जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अमिताभ त्रिपाठी अटल जी, महामंत्री श्री रमाशंकर राम त्रिपाठी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री रजनीकांत मिश्र जी, संजय जी, सुरेंद्र सिंह जी, अरविंद त्रिपाठी जी, धर्मेंद्र कुमार सिंह जी, अमरीश कुमार राय जी, ब्रजेश पांडे जी, श्रीमती अनुराधा तिवारी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, गोरखपुर के मंडलायुक्त, गोरखपुर के जिलाधिकारी, पुलिस और प्रशासन के सभी अधिकारीगण, जिला अधिवक्ता एसोसिएशन, सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन तथा विभिन्न जो तहसील हैं उनसे जुड़े हुए जो एसोसिएशन हैं उनके भी तमाम पदाधिकारी आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, उनके सभी पदाधिकारीगण और गोरखपुर के सभी वरिष्ठ अधिवक्तागण और उपस्थित भाइयों बहनों, मेरा आज का जो कार्यक्रम है ये केवल इस समय केवल अधिवक्ता समुदाय के लिए है, इसलिए मैं आपके अवसर और आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं और आपको बधाई देता हूं कि गोरखपुर कलेक्ट्रेट में और सदर तहसील के अधिवक्ताओं के लिए अच्छे सुविधायुक्त चैम्बर्स का निर्माण यहाँ पर होगा। गोरखपुर कलेक्ट्रेट से इसकी शुरुआत हो रही है और मुझे लगता है कि प्रदेश के अंदर हर एक कलेक्ट्रेट में, हर एक तहसील में, हर एक सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन में हम ऐसे ही अच्छे चैम्बर्स अधिवक्ताओं के लिए बना सकेंगे। इसके लिए इसका शुभारंभ यहाँ से किया जा रहा है, मैं इसके लिए आप सबका हृदय से बधाई देता हूँ, आप सबको अपनी शुभकामनाएं भी देता हूँ। प्रदेश सरकार ने एक निर्णय लिया है कि हम विभागीय कार्यालयों को एक जगह लेकर के जाएं और हम गोरखपुर और वाराणसी कमिश्नरी से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। मंडल के जितने भी कार्यालय होंगे वह एकीकृत भवन में हम लोग देने जा रहे हैं और मुझे लगता है इसका सबसे अधिक लाभ या तो जनता को होगा या अधिवक्ता भाइयों बहनों को होगा, क्योंकि उनको अब अपने वादकारी के कार्य के लिए 10 कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा बल्कि एक ही बिल्डिंग में, एक ही जगह में उनको सारी सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। इस दृष्टि से यह कार्यक्रम का शुभारंभ हम गोरखपुर से करने जा रहे हैं। गोरखपुर के मंडल से जुड़े हुए पहले चरण में सभी कार्यालय एक भवन में हम लोग लेके आने जा रहे हैं, उसके निर्माण कार्य की स्वीकृति हम लोगों ने दे दी है और उसके साथ ही हम लोगों ने यह भी कहा है जहां पे कोर्ट का भवन बने, जहां पर मंडल के सभी कार्यालय बने या मंडलायुक्त से जुड़ी हुई जो कमिश्नर्स बार कमिश्नर्स की का कमिश्नर का कार्यालय बने तो वहां पर उनके बार एसोसिएशन के लिए भी, जितने भी उनके स्वयं के कार्यालय के लिए भी और अधिवक्ताओं के चैम्बर्स के लिए भी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों जब एक साथ मिलकर के चलेंगे तब हम वादकारी के हितों को संरक्षित कर पाएंगे। और इस दिशा से
इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं जानता हूं पिछले 10 महीने से वैश्विक महामारी कोरोना से हर व्यक्ति त्रस्त है, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इससे पस्त हो गई। आप मीडिया को देखते होंगे, अमेरिका के अंदर जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, वहां की स्थिति कितनी खराब है। और वहां पर जनजीवन को उसने कैसे प्रभावित किया है। ब्रिटेन जिसने टीका की शुरुआत की, वहां पर फिर से नए स्ट्रेन ने फिर से वहां पर एक नई समस्या खड़ी की है, फिर से लोग लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन देश के अंदर भी और प्रदेश के अंदर भी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में कोरोना के खिलाफ जिस एक अभियान को हम लोगों ने मार्च 2020 में प्रारंभ किया था, आज जब हम 21 की शुरुआत में हैं, तो बहुत विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आज प्रदेश के अंदर ड्राई रन हो रहा है, एक ट्रायल किया जा रहा है कि वैक्सीनेशन का कार्यक्रम कैसे होना है। 5 तारीख को पूरे प्रदेश के अंदर होगा और फिर हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मकर संक्रांति के आसपास हम लोग वैक्सीन लेकर के प्रदेश की जनता के लिए वैक्सीन लेकर के भी हम प्रदेश के अंदर और देश के अंदर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को परास्त करने में सफल होंगे। लेकिन यह एक सामूहिक प्रयास है। आपने देखा होगा जब हम लोग किसी एक महामारी से लड़ते हैं तो महामारी से लड़ने के लिए केवल सरकार ही उसको सरकार को ही उन चीजों का सामना नहीं करना पड़ता है। महामारी है तो स्वाभाविक रूप से सरकार उसको लीड करेगी, सरकार नेतृत्व देगी। लेकिन सरकार के नेतृत्व के साथ जब पूरा तंत्र शामिल होता है, आम जनमानस और विभिन्न संस्थाएं एक साथ उनके साथ सहयोगी बनती हैं, तो सफलता की एक नई कहानी कहती हुई दिखाई देती है। कोरोना के खिलाफ उत्तर प्रदेश के इस प्रयास को अगर WHO ने सराहना की तो उसके पीछे ये सामूहिक प्रयास है। सब लोगों ने मिलकर के, एक साथ मिलकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार के द्वारा जो अभियान प्रारंभ किया गया था, उस अभियान में सबकी सहभागिता का परिणाम रहा कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद कोरोना का सबसे अच्छा परिणाम देश के अंदर देने में सफल रहा है। तो उसके पीछे कारण इसी सामूहिकता का है, जिसमें अधिवक्ताओं का भी, चिकित्सकों का भी और समाज के व्यापारियों का भी और हरेक तबके के लोगों का भी भरपूर सहयोग शासन को प्राप्त होता रहा। और आज उसका परिणाम है कि हम सफलतापूर्वक आज से 2 महीने पहले प्रदेश के अंदर कोरोना के लगभग 68,000 से अधिक पॉजिटिव केसेस थे। आज सुबह जब मैं गोरखपुर के लिए चला हूं तो बैठक लेकर के चला हूं, उस समय केवल 13,000 पॉजिटिव केस पूरे प्रदेश के अंदर हैं। आप देख सकते हैं कि 68,000 से कम करते 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 आज 13,000 तक हम पहुंच चुके हैं। सबसे अच्छी रिकवरी इस समय देश के अंदर उत्तर प्रदेश की है, लगभग 97% तक हम रिकवरी के रेट को पहुंचा चुके हैं।